सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। तो मैं वापस आऊँ बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। एंड थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि मैं किस व्हीकल के बारे में बात कर रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वॉचिंग मोटो वर्ल्ड। सो दोस्तों, भाई की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि चाबी आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। एंड भाई मैं ना ट्रायम्प का सीरियसली फ़ैन हूँ, क्योंकि इनकी जो चाबी की क्वालिटी ना, यहीं से इनकी क्वालिटी की पता चलती है। पल दो आपको ऐसी दो चाबी देखने को मिलेगी। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, मैंने ना शोरूम के बाहर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ना अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ। तो आप देख सकते हो ये द्वारका ट्रायम्प पे मैं आया हूँ। तो उस शोरूम में इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, किसी को भी डील चाहिए होगी तो यहाँ पे चेकआउट कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसको डालते हैं इसके की स्लॉट के अंदर में। तो अब जो ये वाली व्हीकल है ना, ये वाली व्हीकल जो आपकी स्पीड 400 आती है उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी सस्ती है। बट उन सस्ते होने की वजह से ना इसके अंदर में बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ जो चेंजेस की, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आप जैसे कि देख सकते हो इस व्हीकल के अंदर में आपको यहाँ पे नंबर प्लेट का होल्डर देखने को मिलेगा। फ्रंट का आपको इसके अंदर में लाइट देखने को मिलता है, जिसके अंदर में ये DRL है, ठीक है। और अगेन एक और हमारे पास में T400। तो मतलब इस टाइम ना यार भाई इसने तहलका मचा रखा है। और जिसको देखो वो जो स्पीड 400 नहीं ले सकता ना भाई, वो T400 को ही कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में देखने को मिलता है DRL एंड LED सेटअप देखने को मिलता है। ट्रायम का बीच में लोगो देखने को मिलेगा। ऑल दो इसकी जो लाइट की क्वालिटी है वो डिसेंट है, क्योंकि कंपनी फिटेड जो भी व्हीकल आती है उसमें आपको डिसेंट ही क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे जो स्पीड के अंदर में आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलता है, मतलब एल्यूमिनियम ब्रश की फिनिश देखने को मिलती थी, बट ये पूरा का पूरा मैट ब्लैक में कर रखा है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा वो है, अब इसके अंदर में आपको गोल्डन कलर का ना USD फोर्क नहीं देखने को मिलता है। इसके अंदर में आपको 43mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। इसको ट्रेडिशनल सस्पेंशन भी कहते हैं। तो भाई इसकी जो ट्रैवल है वो 140mm है। तो ट्रैवल के अंदर में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा आपको जो डाउनग्रेड है वो है कि आपको USD की जगह टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। तो बट यही है कि उसकी वजह से प्राइस भी डाउनग्रेड किया गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फेंडर, एंड जो टायर है वो अगेन हमें ट्यूबलेस ही मिलता है। और इस बार ये टायर के अंदर में आपको MRF के रेडियस जेपर FX X2 टायर देखने को मिलेंगे, जिसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये है 110/70/17 इंच का टायर देखने को मिलेगा विद ट्यूबलेस और 17 इंच का अलॉय व्हील। एंड जो इसका फ्रंट डिस्क है वो आपको मिलता है 320 कैलिपर का। तो फ्रंट डिस्क में आपको ऐसा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और जो कैलिपर है वो आपको बाइब्री के मिलते हैं, और ये फ्लोट डिस्क नहीं है, मतलब 4 पिस्टन कैलिपर नहीं है, ये 2 पिस्टन कैलिपर देखने को मिलता है। तो भाई एक यहाँ पे भी चेंजेस किए गए हैं, अगर मेरे को रेफरेंस के तौर पे मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो उसके अंदर में आपको 4 पिस्टन कैलिपर देखने को मिलते हैं, बट इसके अंदर में आपको 2 पिस्टन बाइब्री के कैलिपर देखने को मिलेंगे। अगेन जो इंजन है वो कूलेंट मतलब लिक्विड कूल सिस्टम के साथ ही आता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा चेंजेस किया हुआ है। अब इसके अगर मैं साइड बाई साइड जो डिटेल है उसकी बात करूँ अगर, तो अब जो आपको स्विचेस देखने को मिल रहे हैं, तो भाई स्विचेस के अंदर में ना जो बटन्स है उसके अंदर में ऐसा कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। आपको यहाँ पे हाई बीम का लो बीम का ऑप्शन देखने को मिलता है। आई एक साइन है जिसके अंदर में आप टॉगल करके मोड सारी चीज़ें डिटेल चेक कर सकते हो। लेफ्ट एंड राइट इंडिकेशन देखने को मिलता है, और हॉर्न का बटन देखने को मिलता है जिसको मैं सुना देता हूँ। तो भाई हॉर्न डिसेंट है, एडिक्यूट है। और जो भाई मैं एक चीज़ बताऊँ, ट्रायम्प ना अपने क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश के लिए माहिर है, और ये चीज़ ना इसने T400 के अंदर में भी जस्टिफाई की है। ऐसा नहीं है कि भाई T400 है तो बस इसकी स्विचेस की क्वालिटी में भी कुछ ऐसा चेंजेस किया है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का हैंडल बार रोड देखने को मिलता है, ट्रायम्प का लोगो देखने को मिलेगा इस पर। थोड़ी सी यार धूल की वजह से गंदी है, बट उसको अवॉइड करना। यहाँ पे आपको राउंड शेप का मिरर देखने को मिलेगा, जो अगेन सेम सिमिलर ही आता है। स्पीड और आपका जो स्क्रैम्बलर 450 है उसके अंदर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम आती है। अब यहाँ पर अगर बात करें मेन, तो यहाँ पे आपको किल स्विच और यहाँ पे इग्निशन ऑन, ये हैजर्ड लाइट का बटन देखने को मिलता है जो कि 4-way इंडिकेशन आपको ऑन कर देगा। यहाँ पे सेल्फ का बटन देखने को मिलता है, और यहाँ पे ब्रेक लीवर और क्लच लीवर। अब ये दोनों के दोनों नॉन एडजस्टेबल है, हालांकि जो अभी एक नया स्पीड का मॉडल आया है उसके अंदर में एडजस्टेबल लीवर अब से देने लग गए हैं, बट पहले वो भी नहीं आया करते थे। बट इसके अंदर में आपको एडजस्टेबल लीवर देखने को नहीं मिलेंगे, ऑल्दो आप एज ए नेसेसरीज आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको अगेन मास्टर सिलेंडर का प्रोविज़न देखने को मिलता है, और जो मीटर है इसके अंदर में ऑलमोस्ट सेम ही मीटर है। बट इसके अंदर में ना एक जो चेंजेस है वो मैं बताऊंगा, बट पहले मैं फिजिकल ओवरव्यू दिखा देता हूं। अब आपको ना यहां पे टैंक के ऊपर में साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा हुआ आएगा स्पीड T400, और ये E20 कंपैटिबल वाले फ्यूल के साथ में आते हैं, जो 13 लीटर का टैंक देखने को मिलता है। अब जो इनकी क्वालिटी ना, हालांकि टैंक में कोई भी चेंजेस नहीं है, एग्जैक्ट सेम है।
बट और जो इनकी फिट एंड फिनिशिंग क्वालिटी जो पेंट की होती है ना, वो एग्जैक्टली वैसे ही मेंटेन कर रखा है, कोई भी सिंगल चेंजेस नहीं है। और भाई ये आता है आपको सिंगल सीट, जिसके अंदर मैं आपको ग्रिपेट देख सकते हो, यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न दे रखा है, ये थोड़ा सा स्कूप्ड आउट है, अगर कोई मेन राइडर बैठेगा ना इसके अंदर में तो उसको एक सेपरेटली अलग से स्पेस देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ब्रेक मारने पे या फिर ऐसा वो खिसकेगा पीछे, तो थोड़ा सा ना नीचे से ये ऊपर है पिलियन के लिए, बहुत बहुत स्लाइट सा ऊपर है। अगेन यहाँ पे आपको हाईलाइट स्टिचेस देखने को मिलती है, एंड ट्रायम का लोगो यहाँ पे सीट पे मिलता है, मुझे नहीं लगता है इसके ऊपर में सीट कवर लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगेन जो पीछे से है, पीछे से आप देख सकते हो यहाँ पे वही सेम काइंड ऑफ ग्रैब रेल देखने को मिलता है, सेम काइंड ऑफ आपको लाइट देखने को मिलेगी, ट्रैम का यहाँ पे लोगो देखने को मिलता है, तो भाई पीछे से कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अगेन आपको जो LED इंडिकेटर है वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, यहाँ पे नंबर प्लेट का प्रोविजन है, नंबर प्लेट के लिए जो लाइट है वो मिलेगी, तो पीछे से कोई बहुत बड़ा मेजर चेंजेस नहीं किया गया है। अब अगर मैं पीछे के टायर की बात करूँ तो भाई इसके अंदर अगेन वही जो मैंने बताया आपको कि MRF का टायर देखने को मिलता है, एंड जो इसका टायर सेक्शन है वो है 140/17/17 इंच। अब जो स्पीड 400 है उसके अंदर में आपको 150/17/17 इंच का टायर देखने को मिलता है, जो बिडी स्क्रीन का है, मतलब अब जो उसकी क्वालिटी और भी इन्हेंस कर दी है, तो भाई ये चीज़ एक है, यहाँ पे आपको टायर से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट एन वही है कि भाई आप पैसे भी कम दे रहे हो, 20 से 25 हज़ार का डिफरेंस है इसके अंदर में। अब ये जो एग्जॉस्ट नोट है, मतलब एग्जॉस्ट है जो पहले ना ये एल्यूमिनियम ब्रश फिनिशिंग में आती थी, बट ये अब इसको ना पूरा का पूरा ब्लैक्ड आउट कर रखा है और ये पूरा मैट ब्लैक में आता है, हालांकि ये बस थोड़ा सा एक इनहेंस करने के लिए एल्यूमिनियम ब्रश में दे रखा है इसके जो हीट सिंक है, बट पहले ये पूरा एक्चुअल में ऐसे ही आया करती थी। वही अगर पीछे रियर की बात करें तो जो इसका टीथ है, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है इसके अंदर में जो टीथ है ना, इसमें भी इसके टीथ को कम किया गया है, और क्योंकि ये पावर में थोड़ा सा फ़र्क है इसके इंजन में। और जो इसका पीछे का जो रियर डिस्क है वो 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में, तो ये है सिंगल पिस्टन बाइब्री के कैलिपर देखने को मिलते हैं, जो स्विंग आर्म है वो ऐसे वही है। और पीछे का आपको जो मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में 120 mm का ट्रैवल देखने को मिलता है, जो कि आपका प्री लोड एडजस्टेबल है 5 स्टेप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रॉक्स गैस चार्ज देखने को मिलता है। वही अगर पीछे बात करोगे तो पिलियन के लिए फुटरेस्ट देखने को मिलेगा, जिसपे ट्राइम की ब्रांडिंग कर रखी है, और ये एडजस्टेबल है, एंड सेम गोज विद द राइडर के लिए, वो भी एडजस्टेबल है दोनों के दोनों। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गियर पैडल, और वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ब्रेक पैडल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और स्पीड T4 की ब्रांडिंग यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। अब जो इसकी बात करते हैं, हार्ट ऑफ द मैटर, जो कि सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्हीकल के लिए, तो अब ये जो दिखने में जो है ना, ये वही अगेन 400 cc का इंजन ही है, सब कुछ दिखने में एकदम सेम है, बट इसकी जो ट्यून्ड है ना वो थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दी गई है, ठीक है। अभी भी ये सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी वाला इंजन ही आता है, देख सकते हो आप यहाँ पे रेडिएटर है, एंड अगेन ये 400 cc कैटेगराइज में भी आता है, 398 जो पहले आता था, बट अब इसकी जो पावर है ना उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया गया है। अब अगर मैं इसके पावर फिगर की बात करूं अगर, तो अब ये पहले आती थी 40 bhp की, बट इस डेडिकेटेड मॉडल में आती है 31 bhp की पावर मिलेगी आपको, और 36 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पे जो एक पावर का ना बहुत ही मेजर डाउनग्रेड किया हुआ है, बट उसका एक बेनिफिट ये भी है कि यार देखो, उसके वजह से आपको इसके अंदर में जो माइलेज है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूवड मिलेगी। अब इसके अंदर में जो माइलेज है वो आई बिलीव ये 35 ARI क्लेम करती है कंपनी से, वो आएगी, क्योंकि पहले वाले जो थे वो 40 bhp की, तो इस वजह से उसके अंदर में थोड़ा सा माइलेज कम आया करता था। और अभी भी ये जो व्हीकल है ना, ये 6-speed ट्रांसमिशन के साथ में ही आती है, फर्स्ट डाउन एंड बाकी 5 अप एंड फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में न्यूट्रल आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर में लेग गार्ड वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलती है, देख सकते हो। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसकी ना जो क्वालिटी है ना भाई, वो टॉप नॉच है, ऐसा कुछ कुछ भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। अब अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ मैं, तो व्हाट आई बिलीव कि ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, ये है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर में सेंटर स्टैंड आपको नहीं मिलेगा, इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ साइड स्टैंड ही देखने को मिलेगा, जो कि आपको कट ऑफ सेंसर के साथ में आता है। तो अगर व्हीकल गियर में है और अगर स्टैंड लग गया तो व्हीकल नहीं चलेगी। एंड जो टोटल वेट करता है ना इस व्हीकल का, वो है 180 kg। अब आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि यार इस व्हीकल के अंदर में थोड़े से चेंजेस किए हैं, बट स्टिल जो इसका वजन है वो स्पीड 400 के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो भाई ये मुझे एक सरप्राइजिंग लगा कि ऐसा, क्योंकि USD4 ऑलरेडी काफ़ी हैवी होते हैं और इसके अंदर में टेलीस्कोपिक का इस्तेमाल किया है, स्टिल जो वेट रिडक्शन है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए था, बट इसके अंदर में वेट रिडक्शन नहीं हुआ, उल्टा इसके अंदर में वेट 1 किलो बढ़ चुका है। तो वैसे तो वो ये मैटर नहीं करता, बट वही बात है, जहाँ पे आप पावर को थोड़ा सा डाउनग्रेड करोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वेट का भी थोड़ा सा रिडक्शन होना इम्पोर्टेंस था। तो ये सारी चीज़ें थी जो अभी तक ओवरऑल आपको फिट एंड फिनिशिंग क्वालिटी में देखने को मिलेगी। ऐसा सच कुछ
आपको दूर से देखने में पता नहीं चलेगा, सिर्फ यूएसडी के अलावा पीछे से अगर कोई देखेगा, साइड से कोई देखेगा तो एग्जैक्ट स्पीड 400 वाली ही लगेगी, बट जो मेजर चेंजेस है फ्रंट में ही है, तो फ्रंट से ही आप पहचान पाओगे जो कुछ भी है। बाकी तो एज एन एसेसरीज का पार्ट है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब मैं बताता हूँ इसके मीटर के अंदर में क्या क्या चेंजेस आपको मिलते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर में जो मीटर है, मीटर कंसोल, वो पूरा एग्जैक्ट स्पीड 400 है, स्पीड 400 एक्स के स्क्रैम्बलर 400, मतलब जो भी इसके वेरियंट आते हैं ना एग्जैक्टली सेम देखने को मिलता है। वही पूरा 180 किलोमीटर का डायल आपको देखने को मिलेगा, एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर। एंड जो बटन है भाई, इसकी ना टैक्टाइल फील बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब एक लगता है यार कि आप कोई चीज़ ना प्रीमियम पे कर रहे हो तो प्रीमियम चीज़ मिल रही है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे सारी आपको वार्निंग लाइट्स मिलती है, इंजन मैल फंक्शन, इंजन सीज की हो गई, ठीक है, टेम्परेचर का साइन हो गया, और इसके अंदर में ट्रैक्शन कंट्रोल का साइन हो गया, ABS का साइन हो गया, स्विचेबल ABS इसके अंदर में नहीं मिलता, डुअल चैनल ABS मिलता है आगे पीछे दोनों के अंदर में। तो ABS में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। यहाँ पे आपको अगेन जो आपकी MID है, इसके अंदर में आपको गियर इंडिकेशन पोजीशन देखने को मिलेगी, न्यूट्रल पे जैसे आप करोगे वो मिलेगी आपको। यहाँ पे RPM लिमिटर देखने को मिलेगा, बटन आपसे टॉगल करोगे जैसे कि ये है, तो इससे आप टॉगल करोगे तो यहाँ पे ट्रिप टू, ट्रिप ए, ओडोमीटर, साइड स्टैंड, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी ओडो, तो यहाँ पे, और फ्यूल इंडिकेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, साइड स्टैंड का साइन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, 442 का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ का सिस्टम नहीं कर सकते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर में ही आता है। तो ऐसा सच इसके अंदर में कोई आपको टॉगल करने के लिए स्विचेस नहीं मिलेंगे, ना ही इसके अंदर में आप ABS ऑफ कर पाओगे कुछ भी। तो भाई ये चीज़ एक ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल पूरा जो एस्थेटिक है, फील है, वो सारी की सारी एक जैसी ही मिलती है। अब मैं इस व्हीकल को ना साउंड सुनाता हूँ, और जो इस व्हीकल की हाइट है ना, सीट हाइट, वो है 806 mm। तो अगर आपकी हाइट 5'5" से नीचे है ना, तो थोड़ा सा आपको कंसर्न होगा। बाकी ऐसा सच कुछ मेजर वो नहीं है कि डील ब्रेकर, आप लाइट वेट पे है ये व्हीकल, तो आप आराम से इसमें मनूवर कर लोगे, हैंडल कर लोगे। डिपेंड कि भाई जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे अपने व्हीकल के साथ में, तो आप हैबिचुएट हो जाओगे इस व्हीकल के लिए। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब मैं इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। सो गाइस, फायर अप करते हैं इस इंजन को और सुनाता हूँ मैं आपको साउंड। तो इग्निशन मैंने ऑन कर दिया, न्यूट्रल चेक कर लेते हैं। तो न्यूट्रल में और फायर अप किया मैंने इसके इंजन को। अब इसको रेव करते हैं फिर सुनते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपको इसकी साउंड अच्छी लगी होगी, और मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ ऐसा मेजर चेंजेस है। जो भी चेंजेस है, इसके पावर फिगर को चेंज किया हुआ है और इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में चेंज किया है। बाकी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो, मतलब प्राइस के हिसाब से डील अच्छी लगी है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था सारी की सारी इस वीडियो में मैंने दी होगी, एंड कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँ। हालाँकि बहुत ही मिनिमल सा चेंजेस है, बट जो मेन चेंजेस है वो पावर में, एंड जो कॉस्मेटिकली मैं सिर्फ और सिर्फ एक टेलीस्कोपिक की USD की जगह टेलीस्कोपिक चेंजेस कर दिए हैं सस्पेंशन के अंदर में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको कुछ भी डिटेल जाननी है, तो शोरूम की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में आ रही होगी। दिवाली पे बहुत एक्साइटिंग ऑफर चल रहे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो और अच्छी से अच्छी डील ग्रैब कर सकते हो। शोरूम में आओ, विजिट करो, जितनी टेस्ट राइड लेनी है भाई ले लो, सारे डाउट्स क्लियर कर लो, और कमेंट में कुछ भी पूछना हो पूछ लेना। तो मिलेंगे ऐसी किसी हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय। We'll be right back.